स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविज। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। बात करें 11 राज्यों की तो तीसरे चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, गोवा की 2 सीट, गुजरात की 25 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, मध्य प्रदेश की 9 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पे। इसके साथ साथ दादर, नागर हवेली और दमन दीव की 2 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है। तीसरे चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की साख तीसरे चरण में दांव पर लगी है। वहीं डिंपल यादव, सुप्रिया सुले, दिग्विजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो रही है। बात करें कि किन किन दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है, तो अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विदिशा से, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ से, एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश के आगरा से, डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, सुप्रिया सुले महाराष्ट्र के बारामती, मनसुख मंडाविया गुजरात के पोरबंदर, पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के राजकोट, प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़, बासव राज बोम्बई कर्नाटक के हावेरी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण में कई दिग्गजों का इम्तिहान तो है ही, साथ ही कई दिग्गजों ने अपना वोट डालकर लोगों को उत्साहित किया और लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने की अपील की। देश के प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी सहित कई बड़े चेहरों ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन को जनादेश मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे दौर की वोटिंग के बाद ही क्लियर हो गया था, अब तीसरे चरण के बाद इंडिया गठबंधन की जीत पर मोहर लग जाएगी। पहले दो चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि निर्णायक जनादेश इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है और तीसरे चरण के बाद भी यही दिखाई देगा। आप देखिएगा कर्नाटक में जो नतीजे आएंगे, महाराष्ट्र में जो नतीजे आएंगे, बिहार में जो नतीजे आएंगे। ये जो राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं इसमें कितना दम है, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा, क्योंकि 4 जून को ही पता चल पाएगा जनता ने किसके हाथों में देश की बागडोर दी है। चलिए रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी अपने 400 पार तक पहुंचने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जमकर प्रचार किया और कांग्रेस की खामियां एक बार फिर से गिनवाई। प्रधानमंत्री ने लोगों से जहां जीत का आशीर्वाद मांगा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना लगाने में भी कमी नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वो जिहाद की धमकी दे रहा है और यहाँ के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इरादे कितने भयानक हैं, ये जनता को खुद ही समझना होगा। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान
हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? हमारी सेना का ये अपमान है कि नहीं भाई? कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने उनकी बेशर्मी देखी है। उन्होंने कहा कि मुंबई आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का हाथ नहीं था। क्या आप इस बात को मानते हैं क्या? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बाकी बची हुई 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। एक तरफ जहां सभी चुनाव प्रचार में पूरा दमखम झोंके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। आपको बता दें, लालू यादव का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्टेटमेंट पर आया है जब पीएम ने कहा था कि आरक्षण को एससी एसटी ओबीसी और दूसरे वंचित समूहों को मिलने वाले आरक्षण को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। इसी बीच लालू यादव के बयान पर पीएम मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं, उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। वहीं इसी बीच सवाल ये भी है कि मुस्लिम आरक्षण के खुले विरोध के पीछे बीजेपी की रणनीति आखिर क्या है। रणनीति के जानकारों की माने तो पीएम मोदी और बीजेपी पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज से संवाद की रणनीति पर चल रहे थे। स्नेह यात्रा, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है जैसे अभियानों के जरिए बीजेपी मुस्लिम वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन तैयार करने की कवायद में थी। लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ता गया, बीजेपी और पीएम मोदी ने अचानक अपनी रणनीति बदल ली। यहाँ सवाल ये भी है कि पीएम मोदी खुलकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में क्यों उतर आए। तो सूत्रों की माने तो इसके पीछे बीजेपी की रणनीति जातिगत जनगणना और आरक्षण विरोधी ठहराने की विपक्षी कोशिशों की धार कुंद करने की है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर रही राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं रामलल्ला के इतने विशाल परिवार का आज हिस्सा बन सकूं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकूं। वहीं शेखर सुमन की राजनीति में ये दूसरी पारी है। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा था। वही सोई जो राम रची राखा, जो राम ने सोचा है वो आपको करना है। और जब आप एक अच्छी मनशा के साथ आते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, तो अच्छा ही होता है। तो मेरे दिमाग में कोई भी नकारात्मक ख्याल नहीं है, सिर्फ देश का ख्याल है। कांग्रेस
कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के फर्जी हस्ताक्षर वाला एक पत्र वायरल किया गया है। कांग्रेस ने इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। चुनाव आयोग को दिए अपने पत्र में कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी ने राहुल गांधी के हस्ताक्षर की नकल की और पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण लोकसभा क्षेत्र में मतदान से पहले मतदाताओं को कंफ्यूज करने के लिए फेक लेटर जारी किया है। आपको बता दें कि ये फर्जी पत्र कांग्रेस के बहरामपुर उम्मीदवार अधीर चौधरी के एक वीडियो क्लिप के साथ छेड़छाड़ किए जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने मालदा दक्षिण संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के बीच गलत सूचना फैलाने के लिए बंगाली भाषा का इस्तेमाल करके एक फर्जी बयान जारी किया, जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। विशुद्ध राजनीति में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।